तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वर्डप्रेस की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। फिर उसके बाद वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद जो है हम इसके अंदर कंटेंट्स को मैनेज करेंगे, जैसे कि नाम से ही जाहिर है ना। तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जो असल जो इसमें काम होगा वो ये है कि हम अपनी थीम पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब थीमिंग जो है वो यहाँ पर बनी बनाई भी होती है, मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना काफी सारी चीजें जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी, और मैं अभी आपको जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा उसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपको मिलेगा। जैसे कंटेंट डाटा, तो इसके अंदर एक तो ये ट्रेनिंग किट है, ये मैं अभी आपके पास वहां जो है ना रख दूंगा वर्डप्रेस की। तो इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, उसके कंटेंट्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो ये प्लगइन्स वगैरह क्या है। यानी इसमें आप देखें तो हमारे पास जो है ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस जो है वो नजर आ रहा होता है। तो ये आपको सब लोगों को नजर आ रही है वर्ड फाइल? हमें वर्ड फाइल नजर आ रही है सब लोगों को? यस सर। जी सर। तो इसके अंदर देखिए आप जो है ना बहुत सारे नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं, वो आपको जैसे गूगल मैप है, फोरम है, तो बहुत सारी चीजें हम इस किस्म की है कि वो अगर हम पीएचपी पे काम कर रहे हैं या कोड इग्नाइटर पे भी काम कर रहे हैं तो जैसे जस्ट लाइक फोरम तो हम ये चाहते हैं कि यार इसी का बना बनाया यूज कर लें, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा आसान है, तो उसको हम यूज कर लें। इसमें न्यूज लेटर है जो कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं, वीडियोज वगैरह है जो कि हम इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी लेवल के ऊपर, यानी हम साइड बार में टॉप पे या बॉटम पे हम पीएचपी भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी हमारी ओन कोडिंग है जिसको हम यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं, उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो सारी पीएचपी कोडिंग जो है वो हमारे सामने आ जाएगी जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि पहले तो हम यहाँ बनी बनाई थीम्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपनी थीम्स से हम इस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते। अच्छा, स्टार्ट हमें इस तरीके से लेना है कि ये समझ लें आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं आज की जो कॉन्टेंट फाइल है आपको दूंगा सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। ट्रेनिंग किट आपके पास आ जाएगी, वर्डप्रेस का इंस्टॉलर समझ लें ये आपके पास आ जाएगा, वर्डप्रेस की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कुछ डाटा है ये भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, जैसे हमारे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट जो इमेजेस वगैरह हमें रिक्वायर्ड है। हम एक टूरिज्म का एक मैं प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तो उसकी जो है ना अब ये कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हमारे पास तस्वीरें वगैरह अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर इस किस्म की पिक्चर्स वगैरह दे देंगे। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अपने कवर कर सकते हैं जिसको देख सकते हैं। तो इसका जो डाटा है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये प्लगइन्स हैं, ठीक है, कि प्लगइन्स की पूरी डायरेक्टरी है। दरअसल वर्डप्रेस के अंदर अमूमन हम लोग इतनी ज्यादा कोडिंग नहीं करते हैं, बनी बनाई मिलती है। आप इसको देखेंगे आप किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से थीम्स है, अब ये थीम जो है ना इसके अंदर बनी बनाई है, तो हम जो अपना काम करेंगे उसके अंदर हम अपनी HTML की जो थीम्स है उसको हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी HTML टू वर्डप्रेस, जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इस कोर्स के अंदर है। स्टार्ट जो हम लेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये वर्डप्रेस की फाइल है, तो इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके और इसको कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं
और डेस्टिनेशन पाकिस्तान। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को यहां से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और जो हमने वेब सर्वर ऑन किया है वहां पर अभी ऑन नहीं किया, ऑन कर देते हैं। ये वेब सर्वर के अंदर जो है ना आप इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, राइट क्लिक करके इसको आप पेस्ट कर देंगे तो ये आपको फोल्डर नजर आ गया। उसके बाद आप इसको और डेस्टिनेशन को यहाँ पर आपको अनजिप करना है। तो ये हमने अनजिप कर दिया। के बाद आप वर्डप्रेस के अंदर गए, तमाम फाइलों को अपने कंट्रोल ई किया या से कंट्रोल एक्स किया और डेस्टिनेशन पाकिस्तान पे कंट्रोल ई किया, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर आपको ये करना है कि हमारे पास जो पीएचपी माय एडमिन के ऊपर जाके अपनी हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब यहां पर आपको एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, जैसे मैं इसको माय वर्ल्ड का मैंने नाम दे दिया क्रिएट। अब ये आपको नाम जो है ना वो याद रखना है, क्योंकि इसी नाम को हमें रिक्वायर्ड होगा वहां पर जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे। तो वर्डप्रेस के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास जो है ना कुछ चीजें आती हैं, जैसे लेट्स सपोज हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सर्वर का नाम क्या है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सर्वर होता है वो लोकल होस्ट होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यूजर का नाम क्या है। तो यूजर नेम यहाँ पर रूट होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमें पासवर्ड इसका नल होता है, अगर हमको पासवर्ड रखा है तो, और डेटाबेस माय वर्ल्ड के नाम से आपको जस्ट जो है ना डेटाबेस क्रिएट करनी है। इसके अंदर टेबल नहीं बनाने, टेबल जो है वो खुद बन जाएंगे, अभी हम देखेंगे किस तरीके से बनेंगे तो वो आपको नजर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट के बाद आपको जो स्टेप है वो ये है कि आप इस पे जाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यू डायरेक्टरी के ऊपर गए, माय हॉट डेस्टिनेशन जो था इसके अंदर ये चाहे वर्डप्रेस की एम्प्टी फोल्डर है, जरूरत नहीं है, इसको डिलीट मार। उसके बाद जो है ना जैसे ये हॉट डेस्टिनेशन क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे वर्चुअल डोमेन बनाना होगा तो पहले हम बना लेते हैं। तो इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट के ऊपर और इसके अंदर हम जाके एड अ वर्चुअल होस्ट इस पे क्लिक करेंगे और इसमें जाके आपने जो वर्चुअल होस्ट का नाम दिया है तो मैंने इसका नाम दे दिया हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान और से कंप्लीट एब्सोल्यूट पाथ जो है ना वो हमने इसको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ये आपके पास पाथ आ गया। अब स्टार्ट द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल होस्ट ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्चुअल होस्ट इस वक्त क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं खुद ही कर रहा हूँ, आप लोग बताएं यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आप लोगों ने, पीएचपी की भी प्रैक्टिस नहीं की, आप देखिए वर्डप्रेस स्टार्ट हो गया इसकी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब चीजें आप भूलते जाएंगे। अब इसके बाद कोडिग्रेटर स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और इसके अंदर हम जो है इसको स्टार्ट जो है हमें रीस्टार्ट करना होता है तो इस पे जाएंगे और इसको दे देंगे रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज। रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज से क्या होगा कि हमारे पास जो वर्चुअल होस्ट है एज अ प्रोजेक्ट हमें यहाँ नजर आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लोकल होस्ट के ऊपर जाएंगे,
और यहाँ से जाके हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इंस्टॉलर जो है वो रन करेगा जिसमें हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। देखिए ये वाला जो सिनेरियो है ना, चाहे आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, चाहे आप जूमला यूज कर रहे हो, चाहे आप जो है ड्रुपल यूज कर रहे हो, चाहे मैजेंडो यूज कर रहे हो, सब में जो है ना वो यही है। मोस्टली जो है साइट वो वर्डप्रेस वगैरह में बना रहे होते हैं, और उसका मेन रीजन ये होता है कि यहाँ पर हम थीमिंग जो है ना वो एडॉप्ट कर सकते हैं, यानी हमें जो भी थीम बना के देगा कोई भी डिजाइनर वो हम इसमें लगा देंगे। जैसे वैसे हम पीएचपी में भी लगा सकते हैं, लेकिन पीएचपी में बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं ना। लेट सपोज मुझे शॉपिंग कार्ड बनाना हो, तो शॉपिंग कार्ड तो शुरू से बनाना पड़ जाएगा, वो एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बनाया बनाया आ जाता है वू कॉमर्स के नाम से। मुझे फोरम बनाना हो तो फोरम भी इसमें बना बनाया आ जाता है। यानी हम मिनिमम कोडिंग एफर्ट से एक फुल फ्लैश साइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और उसके अंदर हमें एज सच जो है वो इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी होगी। ठीक है जी, तो समझ में आया वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? हाँ भाई समझ में आया, ये समझ लो पुरानी बातें छोड़ दो, अभी हम नई बात कर रहे हैं कि अभी जो मैं करवा रहा हूं कि वर्डप्रेस क्यों करते हैं, कहाँ यूज होता है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आया? जी जी सर, आ गया, समझ में आ गया। चले ठीक है, आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त जो हमारी रिसेंट साइट आप देखिए ना, जो कि हम लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, वो है स्पार्को। ये पहले जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, अब इसको क्योंकि टोटल जो है ना कॉन्टेंट मैनेजमेंट है, तो इसको जो है ना हम इस पे लेके आए। ठीक है, ये हमारे इदारे की साइड है, इसको जरा आप देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पूरा आपको वर्डप्रेस का थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार वर्डप्रेस में किस तरीके से वर्किंग करते हैं और उसका फायदा जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसी शायद वैसे स्टैटिक साइड इतनी बड़ी इसमें कोई भी चीजें नहीं है, लेकिन ये है के इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि हम यहाँ आपको भी कवर करना सिखाएंगे वो है थीमिंग, यानी आप किस तरीके से जो है वो टेम्पलेट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। ज्यादातर जो हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्डप्रेस वगैरह की साइट्स होती है उसके अंदर थीमिंग का बड़ा रोल होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का रोल आ जाता है। ठीक है, अब ये आपसे कह रहा है कि आप जो है ना नेक्स्ट करने से पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? डेटाबेस का नाम, हमारी डेटाबेस का नाम क्या है जो भी मैंने क्रिएट की थी, कौन बताएगा? असल में ये देख रहा हूँ कितने लोग क्लास के अंदर जो है वो अटेंशन है। ठीक है, माय वर्ड ठीक है। यूजर नेम रूट है, पासवर्ड जो है उसका ब्लैंक है, होस्ट जो है वो लोकल होस्ट है, लेट्स गो। अच्छा आप जाइए, यहाँ पर हम जाएंगे, इसको आपने जो है वो दे दिया। ठीक है, माय वर्ड और यूजर नेम आपने दे दिया रूट, पासवर्ड आपने ब्लैंक कर देना है और उसको सबमिट कर दो। रन द इंस्टॉल, तो ये आपके पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा। अब आपने इसको टाइटल देना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान। यूजर नेम, ये वो यूजर नेम है, तो इसके अंदर जितने भी आप CMSs को देख लेना, चाहे वो आपके पास वर्डप्रेस हो, चाहे वो ड्रुपल हो, चाहे वो मैजेंटो हो,
तो उसके अंदर आप ये देखेंगे जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है वो ब्राउजर ही होता है, यानी ब्राउजर में रहते ही रहते हुए हम जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम कोई और टूल जो है वो यहाँ पर यूज नहीं करते। तो इस वक्त जो हमारा यूजर नेम होगा वो क्या होगा, रूट, और जो पासवर्ड होगा हमारे पास वो होगा ब्लैंक, नहीं सॉरी, यहाँ तो रूट यूजर नेम कुछ भी हो सकता है डेटाबेस का था, यहाँ पर देंगे एडमिन और पासवर्ड भी मैंने दे दिया एडमिन। ओके, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, वो कह रहा है भाई आपको पासवर्ड वीक है, ठीक है जनाब। ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो है ना वो हम SMTP ईमेल को भी देखेंगे कि हम किस तरीके से ईमेल जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जीमेल की जो है ना वो यूजर आईडी यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के SMTP सर्वर जो है ना वो होते हैं, एक होता है फ्री और दूसरा होता है पेड। तो इस केस के अंदर हम लोग यहाँ जो यूज करेंगे वो फ्री यूज करेंगे। तो फ्री जो है SMTP सर्वर वो हमारे पास कौन सा है, ईमेल, जीमेल का। यानी हम ईमेल दरअसल सेंड करेंगे कोडिंग से, अपने इंटरफेस से, बैकग्राउंड से, वरना फ्रंट एंड से तो हम किसी भी जो है ना जगह से ईमेल सेंड कर सकते हैं ना, चाहे वो याहू हो, चाहे वो जीमेल हो, चाहे वो जो है ना आपके पास और कुछ हॉटमेल हो। यहाँ बैकग्राउंड से, यानी हमें बैकग्राउंड के अंदर हम किसी पोर्ट को देखेंगे, उसकी आईपी एड्रेस को देखेंगे, उसमें यूजर नेम पासवर्ड को देखेंगे, ये सारी चीजें तो ईमेल करने। तो फ्री जो हमें SMTP सर्विस मिलती है यानी बैकग्राउंड से ईमेल सेंड करने की, वो है आपके पास जीमेल। तो मैं यहाँ पर जीमेल का एड्रेस जो है उसको दूंगा। इंस्टॉल कर देंगे स्मॉल वर्डप्रेस। तो जैसे ही हमने इसकी इंस्टॉलेशन की तो ये आपके पास वर्डप्रेस है ना वो इंस्टॉल हो गया है, और अब आप लॉग इन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो है ना हमारे पास इतनी अच्छी वो नहीं है, तो मैं रिकमेंड आपको गूगल क्रोम ही करता हूँ, तो उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, लोकल होस्ट के ऊपर जाएंगे आप अगेन, और यहाँ पर आप माई प्रोजेक्ट लेंगे। ये आपको साइट बेकार सी साइट आ रही है ना, इसको बेकार सी साइट होगा। देखिए हमारे पास जो है ना वर्डप्रेस के अंदर काम ही थीमिंग का है, यानी ज्यादातर जो हमारे पास आप देखिए ना कभी जो जॉब्स वगैरह आती हैं तो उसके अंदर मार्केट में HTML टू वर्डप्रेस की बात। अब जैसे मैंने अभी अपनी जो साइट दिखाई उसमें इतना ज्यादा काम जो है उसके ऊपर हुआ हुआ है, थीमिंग के ऊपर, जितना वर्डप्रेस पे भी नहीं किया मैंने। थीमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थीमिंग को इम्प्लीमेंट करना एक आर्ट है। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको इंस्टॉल कर लिया ना, नेक्स्ट आपको डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, अब मैं आपको जो इसका अपना ट्यूटोरियल दूंगा ना उसमें सब चीजें लिखी हुई है। याद देखिए WP एडमिन, WordPress एडमिन, ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा जहां पर आप लॉग इन कर सकते हैं। अब आपने यूजर नेम और पासवर्ड इसको दे दिया एडमिन, एडमिन रिमेम्बर मी करके इसको आपने लॉग इन। तो ये आपको वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है जहां पर हम डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर सर? इसके अंदर कोडिंग नहीं होती, सब कुछ GUI के थ्रू ही करते हैं? नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया तो था जो अपने नोट्स में आपको दिखा रहा था कि इसके अंदर जो है ना विजेट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम कोड करते हैं, और उसके अंदर आप PHP की कोडिंग भी करते हैं। फिर इसके अलावा जो थीम्स वगैरह होती हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग होती है। ओके है, ओके है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो कोडिंग आनी चाहिए। इसका फायदा यही है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ज्यादातर काम हम प्लगइन्स वगैरह से कर रहे होते हैं, जैसे ई कॉमर्स की साइट बनानी है, कुछ और बनाना है, उस सारी की सारी चीजें आपको प्लगइन्स के अंदर जो है ना वो अवेलेबल होती है जहाँ से हम इसको
इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो वही वाली बात है कि इसको चलाना तो आना चाहिए ना, काम कैसे करते हैं। ठीक है सर, जिसको वर्डप्रेस नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, जिसको वर्डप्रेस आता है उसके लिए छोटी चीज है। जैसे मैंने अभी आपको अपनी साइट दिखाई थी, अमूमन जितनी भी इस किस्म की साइट्स हैं जिनको कंटेंट, जो रिच कंटेंट मैनेजमेंट है, यानी जिसमें आए दिन रोजाना जो कोई कंटेंट चेंज होता है ना, तो वहां पर जो है ना वो हम वर्डप्रेस रिकमेंड करते हैं कि भाई वहां पर यूजर्स से जान छुड़ाओ और उसको खुद अपने पेजेस बनाने के लिए दो, पोस्ट लगाने के लिए दो, ये सारी चीजें आप इसके अंदर ले जाओ। अच्छा, जो हम स्टार्ट लेते हैं वो हम स्टार्ट लेते हैं अपने पास थीम से, यानी सबसे पहले हम किस थीम से को जो कि हमें यहाँ नजर आ रही है इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ, तो हम जो है अपनी थीम को चेंज करेंगे, तो अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ बनी बनाई थीम्स जो है वो हमें यहाँ नजर आ रही है, तो हम यहाँ ऐड न्यू करेंगे और जो मैं आपको अपनी थीम्स दूंगा उसमें से कोई भी आप चूज करेंगे, ये फोल्डर आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा। जब मैं आपको वहां क्लास के अंदर रखूंगा तो वहां आपको ये सारी चीजें मिल रही होंगी, आप उसे कंफर्म करेंगे, किसी को कोई चीज मसला आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। इसके अंदर यहाँ पर हम गए और मैंने अभी अभी इंपॉर्टेंट वर्ड प्लस डेवलपमेंट WP डाटा और इसके अंदर अपने थीम्स। अब इसके अंदर दो किस्म की थीम्स है, टेम्परा और पैराबोला। ये वो समझ लें थीम्स हैं जो के आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करती है, यानी कस्टमाइजेशन से मुराद ये कि मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ, साइज चेंज करना चाह रहा हूँ, हेडिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, A to Z हम इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट। ठीक है, ये वाली थीम ले लेंगे, इसके अंदर इसको आप ओपन करेंगे, स्ट्रॉन्ग नाउ करेंगे, एक्टिवेट करें, तो देखिए ये वाली थीम आ गई। ये दरअसल हमारी टूरिज्म से रेलेवेंट जो है ना वो थीम्स हैं जिसके हम देख रहे हैं, दिखा रहा है यहाँ पर अपडेट्स वगैरह भी दिखा रहा है, पैकेट्स दिखा रहा है। अभी सारी चीजें हमें लगानी है, अभी कुछ लगा हुआ नहीं है इसके अंदर ना, अब साइट पे भी ऐसा बनाना है, अपनी पोस्ट लगानी है, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं उनकी मदद से हम ये सारा काम। अब हम यहाँ पे जाते हैं इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ, तो कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे। जैसे आप कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर आपको ये पूरा कस्टमाइजेशन के लिए चीजें मिल जाएंगी। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं आइडेंटिटी साइट की, यहाँ पर जैसे हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान दिखा रहा था, इसी हॉट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को हम नीचे भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें फॉन्ट चेंज भी कर रहा है, अब ये आपको दिखा रहा है कि आइकॉनिक इमेज जैसे हमारी साइड है ना, इस पे इसका कोई भी आइकन जो है ना वो, यानी ये वाला आइकन नजर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ उसका आइकन जो है ना वो चेंज कर लूँ जो साइड के ऊपर नजर आता है, तो यहाँ पर आप जाएंगे सेलेक्ट फाइल, वही वाली बात कि मैंने आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा, इसमें सारी चीजें पड़ेंगी, इमेजेस पे गए और ये वाला आइकन। आगे चलते हैं और फर्दर चीजों की तरफ हम जाएं तो कलर्स हैं, तो कलर्स के अंदर ये आपको दिखा रहा है कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या चूज होना चाहिए, तो हम भी सिलेक्ट कर देते हैं इसके अंदर, ये हमने सेव एंड पब्लिश कर दिया इसको। फिर इसी तरीके से ये आपको हेडर इमेज दिखा रहा है कि कोई हेडर इमेज आप चूज करना चाह रहे हैं, तो अपलोड फाइल के ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे, इसके लिए भी आप देखें यहाँ पर डेस्टिनेशन में से उठा लेंगे,
सेलेक्ट एंड क्रॉप के ऊपर जाएंगे तो इसके साइज को तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से उठाना है। आप इसका साइज जो है ना कहीं से भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। आप इमेज करेंगे तो इतने पार्ट को इसने जो ना आपका हेडर जो है ठीक है जी। इसको सेव एंड पब्लिश करते हैं, बैक करेंगे, फिर मेन्यू है। अब मेन्यू वगैरह बनाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगा मेन्यू को देखते हैं फ्रंट पेज पर कैसे बनाएंगे। जब उधर आते हैं क्रॉस करते हैं, फिलहाल हमारी जो साइट की लुक है ना वो कुछ इस किस्म की पहले से बेहतर हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम इसमें करना बाकी है जो कि देखते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल की तरफ ना, पेजेस क्या होते हैं और हमारे पास जो है पोस्ट क्या होती है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। देखिए पेजेस क्या होते हैं कि हमारे पास जो हमें पेजेस बना रहे हैं, जैसे हमारे पास होम का पेज है, हमारे पास अबाउट अस का पेज है, जैसे हमारी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं तो जितने भी ऐसे पेज होते हैं जो कि रिच कंटेंट्स होते हैं, या फिर हम कोई रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं या कोई फोरम बना रहे हैं या कॉन्टेक्ट अस का कोई पेज बना रहे हैं जिसपे लोग आके सिर्फ देखेंगे कि ये पेज है क्या, ठीक है, उसको पेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया सैंपल पेज को, अब मैंने अपना एक पेज किया। अब ये जो हमारे पास होम पेज होगा ना, अब इसकी पूरी जो डिजाइनिंग होगी वो हम किसी भी HTML से उठा लेंगे। HTML जो है ना मैं उसकी भी काफी सारे टेम्पलेट है ना मेरे पास, HTML टू WordPress का जो हमारे पास टॉपिक है तो उसके अंदर हम यही देखते हैं। ये देखें हमारे पास HTML की पूरी साइट इसके अंदर बनी हुई है, तो आपको जो भी टेम्पलेट इसके अंदर अच्छा लग रहा है ना उसको आप होम बना लो। हाँ, अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ये WordPress पे कैसे लगेगा, तो यही तो हम सिखाएंगे आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा डिजाइनर बनाता है सारे पेजेस, मैं नहीं बनाता, तो ये डिजाइनिंग का काम है ये पूरा टेम्पलेट बनाना। तो वो जो बना के दे देगा हम उसको डायनेमिक कर देंगे। वर्डप्रेस में जाते हैं तो हम उसको प्लगइन्स वगैरह लगा देते हैं, चीजें इस तरीके से लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास ये हमारा लैंडिंग पेज होगा, हमारा फर्स्ट पेज होगा।